नवाबों के शहर मेट्रो सिटी लखनऊ में कब्जे युक्त आवासीय प्लॉट लेने के लिए संपर्क करें 9670596700। सीना ठोक कर फाड़ रहे बेतवा नदी का सीना, खनन माफियाओं ने मुश्किल कर दिया जीना, फिर भी नींद में है योगी सरकार, अफसरों ने बना दिया नियम कानून को लाचार। जी हां, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, किस तरह नदी का सीना फाड़कर सोना निकाला जा रहा है। साहब लोग नींद में और खनन माफिया अलर्ट। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के सरीला इलाके की। सरीला इलाके में खनन माफियाओं की दबंगई का खुला खेल तो देखिए। स्थान का नाम है खंड संख्या 9 हरदुआ बडेरा खालसा। बेतवा नदी की बीच जलधारा में चल रही है प्रतिबंधित मशीन। एनजीटी के नियम कानूनों की ऐसी की तैसी का ये खेल चोरी छिपे नहीं बल्कि खुलेआम चल रहा है। आपको बता दें कि अवैध खनन को लेकर सीबीआई जांच भी चल रही है। ये इलाका भी जांच के दायरे में है, मगर अफसोस जिम्मेदार अधिकारी मौन है क्योंकि खनन माफिया रसूख वाले हैं। हालांकि अवैध खनन को लेकर हमीरपुर के वकील विजय द्विवेदी ने एक जनहित याचिका भी दायर की है। विजय द्विवेदी की माने तो खनन वही कर रहे हैं जिन पर सीबीआई जांच चल रही है, जबकि खनन का पट्टा प्रताप कॉरपोरेशन के नाम है। बुंदेलखंड में अवैध खनन जोरों पर, जिस प्रकार से पढ़ेरा खालसा खंड संख्या 9 जो कि प्रताप कॉरपोरेशन के द्वारा चलाया जा रहा है, प्रताप कॉरपोरेशन पट्टा धारक के द्वारा प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित है। आखिर किस अधिकारी के संरक्षण पर ये मशीनें चल रही हैं? ये खनन पट्टा धारक किसके संरक्षण पर कार्य कर रहे हैं? नदी की जलधारा को छेड़ रहे हैं। नदियों पे पट्टे किसने किए? अगर नदियों पे पट्टे नहीं है तो किसके आदेश पर जो है ये खनन किया जा रहा है? इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ये महत्वपूर्ण विषय है। इस पर सीबीआई जांच भी चल रही है और इस खदान को चलाने वाले व्यक्ति, पट्टा तो प्रताप कॉरपोरेशन के नाम से है लेकिन सीबीआई जांच में जो आरोपी हैं वो लोग इस खदान को चला रहे हैं, ये गंभीर विषय है। वहीं एनडीटीवी भारत के रिपोर्टर प्रवीण मिश्रा ने भी जब मौके का जायजा लिया तो हालात बेकाबू नजर आए। जैसा कि हम मौजूद हैं इस टाइम पे हमीरपुर जनपद के रिरुआ बसरिया खदान संख्या 22/14 पे, और आप देख सकते हैं कि खदान में किस तरीके से एनजीटी के नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। शासन प्रशासन को ताक में रख के खनन माफिया किस तरीके से हावी भारी भारी पोकलैंड भरकंप मशीनों के जरिए जलधारा के साथ में छेड़छाड़ कर अवैध खनन कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि देखाएं किस तरीके से खनन माफिया खनन कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि हमीरपुर जनपद में आज से नहीं, करीब सालों से खनन माफिया पूरे अपने बुंदेलखंड में खनन को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। और 16 जनपदों में लगातार सीबीआई का दौरा है। सीबीआई लगातार 16 जनपदों की जांच कर रही है लेकिन खनन माफिया अपनी हरकतों से बाज नजर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल अवैध खनन को लेकर योगी सरकार और उनके अधिकारी सवालों के घेरे में। इन तस्वीरों को देखकर तो नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस वाली योगी सरकार अपने दावे पर खरी उतर रही है। हमीरपुर से प्रवीण मिश्रा की रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।